बिस्मिल्लाम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स टूटे टॉपिक ऑफ़ आवर डिस्कशन इज कैरोटिड शीथ इस वाली वीडियो के अंदर हम कैरोटिड शीथ को डिटेल से देखेंगे तो जब हम नेक वाले रीजन के अंदर बात करते हैं तो जो मेन वेसल्स होती हैं नेक की उनको कवर करने वाला हमारे पास एक शीथ होती है जो कि कंडेंसेशन ऑफ़ द फाइब्रो एलियोडर टिश्यू से बनी होती है उस शीथ को हम बोलते हैं कैरोटिड शीथ तो जब नेक के रीजन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास मेन वेसल्स कौन कौन से होते हैं एक हमारे पास होती है कॉमन कैरोटिड आर्ट्री दिस वन इज अ कॉमन कैरोटिड आर्ट्री अब ये किसकी डायरेक्ट ब्रांच है ये ब्रांच होती है आर्च ऑफ एयटा की आर्च ऑफ एयोटा की डायरेक्ट ब्रांच होगी कॉमन कैरोटिड आर्ट्री इस कॉमन कैरोटिड आर्ट्री को हमारे पास कैरोटिड शीथ कवर करी होती है उसके अलावा एक वेन होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन दिस वन इज अ इंटरनल जुगुलर वेन इस इंटरनल जुगुलर वेन को भी हमारे पास इनक्लोज कर रही होती है करोटेड शीथ उसके अलावा हमारे पास जो वेगस नर्व होती है वेगस नर्व, वेगस नर्व, नर्व को भी हमारे पास इनक्लोज करी होती है दिस वन इस वेगस नर्व ये जो नर्व जा रही है अब ये जो तीनों चीजें हैं इन, इनको हम देख सकते हैं कि ये एक साथ प्रेजेंट है साथ हमारे पास ये प्रेजेंट है इंटरनल जुगुलर वेन और उसके मीडियली प्रेजेंट है दिस वन इज़ अ कॉमन करोटिड आर्ट्री अब जी जो तो तीन स्ट्रक्चर्स हैं इन तीनों को हमारे पास इंक्लोज करती है ये करोटिड शीत इसकी फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो एंटीरियरली इसकी फॉर्मेशन करवाता है प्री ट्रेकल फेशिया और पोस्टीरियरली इसकी फॉर्मेशन करवाता है प्री वर्टिब्रल फेशिया उससे पहले हम इस वाली डायग्राम को देख लेते हैं कि लेटरली और ये मीडियल साइड है और यह लेटरल है तो लेटरली हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट है और मीडियली हमारे पास कॉमन करोटेड आर्टरी प्रेजेंट है अब ये जो एक्सटर्नल करोटेड आर्टरी होती है ये इस फेशिया को पियर्स करके बाहर की तरफ चली जाती है यानी ये इस फेशिया के अंदर लाइन नहीं करती ये हमारे पास करोटेड शीत है एक्सटर्नल करोटेड आर्टरी इसको पियर्स करके बाहर की तरफ चलेगी उसके अलावा इन दोनों के दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट है वेगस नर्व उसके अलावा जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ट्रांसफर सेक्शन में भी देख सकते हैं कि लेटरली हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट है और मीडियली प्रेजेंट है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और उनके दरमियान में प्रेजेंट है हमारे पास वेगस नर्व अब इस वाली डायग्राम में हमें क्लियरली नजर आया कि दिस वन इज द इंटरनल जुगुलर वेन जो कि लेटरली प्रेजेंट है एंड दिस वन इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि मीडियली प्रेजेंट है और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास प्रेजेंट होती है वेगस नर्व यानी वेगस नर्व इन दोनों के दरमियान में प्रेजेंट है सबसे लेटरली इंटरनल जुगुलर वेन फिर हमारे पास आएगी नर्व और उसके मीडियली हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ जाती है नेक्स्ट हमने बात की थी कि इसकी फॉर्मेशन की एंटीरियरली हमने कहा कि प्री ट्रेकियल फेशिया इसकी फॉर्मेशन करवाता है और पोस्टीरियरली प्री वर्टिबल फेशिया करवाता है इसको हम इस ट्रांसफर सेक्शन से समझ लेते हैं दिस वन इज़ अ प्री ट्रेकियल फेशिया जो कि थायरॉयड ग्लैंड को अपने अंदर इंक्लोज करा होता है अब ये जो प्री ट्रेकियल फेशिया होता है ये लेटरली आकर दिस मन इज़ अ करोटिकीप अब इस करोटेड शीप की जो एंटीरियर लेयर होती है वो ये प्रीटी प्री ट्रेकियल फेशिया बना रहा है और इसकी जो पोस्टीरियर लेयर है दिस मन इज अ पोस्टीरियर लेयर ऑफ द करोटिक शीप इसकी पोस्टीरियर लेयर हमारे पास प्री वर्टिब्रल फेशिया बना रहा है एंटीरियर लेयर प्री ट्रेकियल फेशिया और पोस्टीरियर लेयर प्री वर्टिब्रल फेशिया तो ये हमने बात कर ली इसकी फॉर्मेशन की नेक्स्ट हम इसके कंटेंट्स की बात कर लेते हैं कंटेंट्स में हमने देखा कि इंटरनल जुगुलर वेन प्रेजेंट थी जिसमें इंटरनल जुगुलर वेन जो कि लेटरली प्रेजेंट थी उसके मीडली वेगस नर्व प्रेजेंट थी और उसके मीडली कॉमन कैरोटिड आर्टरी और आगे जाके जब वो डिवाइड हो गई थी बिटवीन द टी थ्री एंड टी फोर वर्टी ब्रा इन टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी थी वो इसके बाहर की तरफ चलेगी तो ये इसका कॉन्टेंट नहीं है तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी वो इसका कॉन्टेंट हो जाएगी कॉमन कैरोटिड या फिर इंटरनल कैरोटिड ये दोनों इसका कॉन्टेंट हो जाएगी उसके अलावा और भी नर्व्स आती हैं अब ये वाली नर्व्स क्यों हम कह रहे हैं यानी नाइथ नर्व इलेवंथ और ट्वेल्थ नर्व नाइथ नर्व हमारे पास होती है ग्लोसल फ्रेंजर इलेवंथ होती है एसेसरी और ट्वेल्थ होती है हाइपोग्लोसल इन नर्व्स को हम इसके कॉन्टेंट्स में क्यों शामिल करें जबकि इस डायग्राम में हमें नजर भी नहीं आ रहा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है अब इन नर्व्स को इनमें शामिल करने की ये वजह है कि जो हमारे पास जो जुगुलर फोरामेन होता है वहाँ से ये वाली नर्व्स बाहर आ रही होती और ये जो जुगुलर फोरामेन होता है वहाँ से ही बेसिकली ये कैरोटिड शीत भी अपनी सुपीरियर अटैचमेंट ले रही होती यानी बेस ऑफ स्कल पे जो हमारे पास जुगुलर फोरामेन होता है वहाँ से ये सुपीरियरली अटैच होती है कैरोटिड शीथ इसकी इस अटैचमेंट की वजह से ये वाली जो नर्व्स होती हैं ये सुपीरियर एस्पेक्ट के अंदर इसके कंटेंट्स के अंदर आ रही होती हैं उसके बाद जब ये नीचे की तरफ आती है तो ये वाली नर्व इसको पियर्स करके बायर की तरफ चली जाती हैं तो सुपीरियर एस्पेक्ट के अंदर इसके कॉन्टेंट्स में नाइन्थ एलेवंथ और ट्वेल्थ नर्व भी आ जाती है नेक्स्ट हम इसके रिलेशनस की बात कर लेते हैं रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो एंटीरियरली हम देख सकते हैं दिस वन इज एंटीरियर साइड दिस वन इज अ पोस्टीरियर साइड तो एंटीरियरली अनसा सर्वाइकेलिस प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है सिम्पथैटिक ट्रंक सिम्पथैटिक ट्रंक बेसिकली पैरावर्टिब्रल गटर के अंदर प्रेजेंट होता है तो पैरावर्टिब्रल गटर वर्टिब्रा के uh, पीछे की तरफ प्रेजेंट है तो इसकी वजह से ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर आ जाएगा और एंटीरियरली अनसा सर्वाइकेलिस इसके एंटीरियर रिलेशन के अंदर आ जाएगा तो यही चीज यहाँ पे मेंशन है कि इन ऑफ़ मैं शीट प्रेजेंट होती है और इस शीट को ओवरलैप किया होता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टन ने और ये फ्यूज कर जाती है लेयर्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर के साथ। इस इस को भी समझ लेते हैं कि हमने देखा कि यहाँ पे ये यह जो मसल प्रेजेंट है दिस मसल दस टन ऑफ क्लीडोमेस्ट्रोयड अब यहाँ से कैरोटिड शीत जाके आ, फ्यूज हो जाती है विद द फेशिया कवरिंग द टन ऑफ क्लीडोमेस्ट्रोयड अब ये जो फेशिया होता है जो कि टन ऑफ क्लीडोमेस्ट्रोयड को कवर कर रहा होता है ये बेसिकली इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से बनता है अब इसके साथ जाके ये लेट्रली फ्यूज़ हो जाती है उसके अलावा हम देख सकते हैं इसके रिलेशन कि एंटीरियरली प्रेजेंट है हमारे पास अनसा सर्वाइकलिस और पोस्टीरियरली प्रेजेंट है सर्वाइकल सिम्पथेटिक चेन जी हमने इसके रिलेशन की बात करी अब बी में जब हम देखते हैं तो हमें इतने ही पॉइंट्स मिलते हैं इसके अलावा कुछ इजाफी पॉइंट्स भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं कि इसके मीडियली जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो मीडियली प्रेजेंट होता है फेरिंग्स इस करोटिड शीत के मीडियली देख सकते हैं कि ट्रेकिया और फेरिंगस इसके मीडियली प्रेजेंट हो और लेटरली हम देख सकते हैं कि पेरोटेड ग्लैंड इसके लेटरली प्रेजेंट है लेटरल रिलेशन को भी समझ लेते हैं अब लेटरल रिलेशन के लिए हम इस पर थ्री डायग्राम से देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरोटेड ग्लैंड अब इस पेरोटेड ग्लैंड को हम देख सकते हैं कि ये जा रही है हमारे पास कॉमन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल जुगुलर वेन इसके लेटरली हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरोटेड ग्लैंड तो इसके लेटर रिलेशन में क्या आ जाएगा करोटेड ग्लैंड नेक्स्ट हम इसे एक्सटेंड की बात करते हैं सुपीरियरली हमने बात की थी कि बेस ऑफ स्कल से अटैच है और बेस ऑफ स्कल पे कहाँ पे अटैच है मार्जिन ऑफ द करोटेड कनाल एंड द जुगलर फोरामैन करोटेड कनाल और जो जुगलर फोरामैन होता है वहाँ पे ये अटैच होता है इसको हम थ्रीटरी डायग्राम से देख लेते हैं तो इस थ्रीटी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जा रही है इंटरनल करोटेड आर्ट्री इंटरनल कैरोटिटरी बेस ऑफ स्कल के अंदर एंटर हो रही है थ्रू दिस फॉरामन दिस फॉराम इज द करोटिड कनाल अब इस करोटिड कनाल के थ्रू ये एंटर हो जाती है इन टू द बेस ऑफ द स्कल उसके अलावा ये वाला जो फॉराम दिस फॉराम इज द जुगुलर फॉराम जहाँ से ये इंटरनल करोटे इंटरनल जुगुलर वेन एंटर हो रही है इंटू दिस बेस ऑफ द स्कल तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि बेस ऑफ स्कल पे ये अटैच अटैच uh, होता है एट द मार्जिन ऑफ द दोटेड कनाल एंड द जूगलर फोरामेन अब जो हमने इसके इजाफी कंटेंट्स की बात की थी कि नाइन्थ इलेवंथ और ट्वेल्थ नर्विस के कंटेंट्स में आ रही थी उसको हम इस, इस वाले डायग्राम से देख लेते हैं दिस वन इज द इंटरनल जुगुलर वेन अब इस इंटरनल जुगुलर वेन जहाँ पे जुगुलर फोरामेन के अंदर जब ये एंटर हो रही होती है तो इसके साथ ये वाली जो नर्व प्रेजेंट है दिस वन इज़ द नाइन्थ एंड द ट्वेल्थ नर्व ये जो तीन नर्व्स हैं ये अपर पार्ट के अंदर इसके कंटेंट्स के अंदर आ जाती हैं उसके बाद ये पीयर्स कर जाती हैं कैरिक शीट को और अदर स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई कर जाती है उसके अलावा इन्फीरियरली जब हम आते हैं तो इन्फीरियरली ये अटैच होता है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के साथ यानी जो स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान जो जॉइंट होता है वहाँ पर यह इन्फीरियरली अटैच हो जाती है यानी स्टर्नम और क्लेविकल द स्टर्नम और दिस वन इज द क्लेविकल अब इन दोनों के दरमियान जो जॉइंट जो है वहाँ पे जाकर ये कैरोटिड शील अटैच हो जाती है उसके अलावा जो आर्च ऑफ एयोटा होती है क्योंकि आर्च ऑफ एरोटा से ही कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकल रही होती है वहाँ पर भी जाकर ये इन्फीरियरली अटैच हो जाती है अब कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे ये क्रॉस कर रही होती है यानी जिनको ये क्रॉस कर रही होती है एक होता है हमारे पास ओमोहाय और एक होता है डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर वैल्यू इसको हम एक और डायग्राम से समझ लेते हैं अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं रीजन के अंदर हमने देखा था इसी वाले रीजन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जा रही है कॉमन कैरोड आर्ट्री इंटरनल जुबलर वेन तो इस वाले मसल को ये क्रॉस करेगी ये वाला कौन सा मसल है पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्री जो कि मेस्टोइड प्रोसेस से आ रहा होता है पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक उसके अलावा यहाँ पे एक मसल ऐसे करके जा रहा है तो उस मसल को हम बोलते हैं इंफीरियर सुपीरियर वैल्यू ऑफ द सॉरी डायग्राम में देख लेते हैं कि दिस वन इज द सुपीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक और इसी वाले रीजन के अंदर ये हमारे पास जा रही है कैरोटिड शीथ शीतरियर सुपीरियर वैल्यू ऑफ द ओमोहायड एंड द पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ द डाइगेस्ट्रिक इन दोनों को क्रॉस करते हुए ये जाती है ऊपर की तरफ उसके अलावा हम उन स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं जो कि करोटेड शीप को पियर्स कर रहे हैं सबसे पहले हमने देखा था कि एक्सटर्नल करोटिक आर्टरीज को पियर्स कर रही थी उसके अलावा जो ट्रिप्ट्रीज होती हैं इंटरनल जुगलर वेन की क्योंकि उन्होंने ड्रेन करना होता है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर तो उनको भी इस करोटेड शीप को पियर्स करना पड़ता है तो वो इसको पियर्स करेंगी उसके अलावा हमने बात की थी कि जो ग्लोसोफेंजली यानी जो नाइन्थ नर्व थी असेसरी यानी जो एलेवं नर्व थी और जो सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व यानी जो टेंथ नर्व होती है वो भी इसको पियर्स करके बाहर की तरफ चली जाती हैं यानी करोटिक शीट को पियर्स करने वाले एक्सटर्नल करोटिक आर्टरी होती है ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंटरनल जुगुलर वेन होती है ग्लोसोफ्रेंजल असेसरी और जो सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व होती है बिगे नर्व तो इसके कंटेंट्स में भी आ रही थी लेकिन जो इसकी सर्वाइकल ब्रांच होती है वो इसको पियर्स कर जाती है तो ये हमने बात कर ली इफ शीप लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल